अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा जी व्यूअर्स, मैं आप लोग के साथ आज डोनट सेटिंग जो है आपको एडजस्ट करना बताऊँगी, और फ्रेंड आप फ्रेंच के साथ किस तरीके से बना सकते हैं आपको ये बताऊँगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो सेंटर पार्टीशन करके एयर टू एयर साइड पार्टीशन करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एयर टू एयर सेक्शन करने के बाद आपने इस तरीके से बैक साइड व्यूअर्स, सबसे पहले आपने इस तरीके सेक्शन करने के बाद आपने इस तरीके से फ्रेंड से आपने यहाँ पे आपने ब्रेड के लिए इस तरीके सेक्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको थ्री में डिवाइड करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे सिंपल ब्रेड बनानी है, सिंपल ब्रेड बट आपने बहुत बारीक बारीक लेयर्स लेके आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी सी फिनिशिंग से हमारी बिल्कुल फिश फ्रेंच की तरह बनेगी, ठीक है। इस तरीके से आपने लाइन टू लाइन देते जाना है, ठीक है। बैकग्राउंड पे वॉइस को इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। अपने आप हेयर स्टाइल पर फोकस करिएगा। मैं किस तरीके की टेक्निक्स आपको बता रही हूँ, आप लोग मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें ताकि कोई भी टेक्निक आप मिस ना करें और हर चीज़ को आप हर चीज़ से पिक कर सकें, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन टू लाइन लेते जाएं लेयर्स को, और अच्छी तरीके से फिक्स करते हुए आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करते जाएं। आप देख रही होंगी कितनी बारीक मैंने लेयर्स लिए और उसकी जो एडजस्टमेंट भी फिनिशिंग से आ रही है, ठीक है। यहाँ हमने अब इसको स्किप करना है, यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे क्योंकि हमें नीचे जो है इस साइड पे हम डोनट सेट करेंगे। इस तरीके से हल्का सा आपने हाई करके इसको फिक्स करना है, ठीक है। क्रॉस में आप पिंस लगाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ कोनी बना लें, ठीक है, अच्छी तरीके से। अब आपने फ्रंट पर आना है, अब आपने फ्रंट साइड पर इस तरीके से सेंटर पार्टीशन करके आपने लाइन टू लाइन जो है इस तरीके से आपने लेयर लेनी है, ठीक है। और आपने इसको थ्री सेक्शन में डिवाइड करके आपने बहुत अच्छी सी फिनिशिंग के साथ बारीक फ्रेंच बनानी है, ठीक है, जो कि वन साइडेड हम बनाएंगे और बिल्कुल बारीक बारीक आप लेयर्स लेकर बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपने बैक साइड तक लेकर आना है इसको, ठीक है। और हम जो है बिल्कुल भी लेयर्स नहीं निकालेंगे आएगी क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी है, स्वेटिंग से जो है हमारी लेयर्स जो होती हैं बिल्कुल वो मैस हो जाती हैं, अच्छी नहीं लग रही होती, तो इसलिए आप लाइन टू लाइन लेयर्स लेती जाएँ और पूरे हेयर्स को अच्छे से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करते हुए पूरी आप ब्रेड कंप्लीट कर लें। इस तरीके से फिनिशिंग से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी जो है हेयर स्टाइल की लुक आ रही है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ आप लेती जाएँ लाइन टू लाइन, साथ साथ सुलझाती भी जाएँ ताकि हमारे हेयर्स जो है फिनिशिंग से हमारा हेयर स्टाइल बनता जाए, ठीक है। इस तरीके से आप लाइन टू लाइन आपने इस तरह से सेक्शन लेना है, बहुत ईजी हेयर स्टाइल है और स्टाइलिश है जो कि गर्ल्स पर बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने फिनिशिंग का बनाना है। बैक साइड तक आप ब्रेड को पूरा लेकर जाएंगी, ये वाले जो हेयर्स हैं इन सबको मैं एक साथ ले लूँगी और इसको मैं इस तरीके से ही फिनिशिंग के साथ आप बैक साइड तक इसको पूरा लेकर आ जाएं और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे एडजस्ट कर दें, ठीक है। ये देखिए लाइट सा मैं इसको बिल्कुल लाइट सा इसको मैंने लूज़ किया है, ठीक है, बिल्कुल लाइट लाइट सा। और अब आप इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दें, इस तरीके से आपने एडजस्ट करना है। बैक साइड से मैं इसको पूरा एडजस्ट करूँगी, ठीक है। अब हम लोग ने ये वाली साइड से बनानी है ब्रेड, लेयर्स आपने लेनी है फिनिशिंग के साथ। आप दोबारा से फोकस करिएगा, थ्री सेक्शंस को आपने इसे डिवाइड करना है और आपने फर्स्ट वाले सेक्शन को थर्ड वाले सेक्शन के साथ, थर्ड वाले सेक्शन को सेकंड वाले सेक्शन के साथ एडजस्ट करना है। फिंगर्स की एडजस्टमेंट पे फोकस किया करें मेरी, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सी लेयर को किसके साथ एडजस्ट कर रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपने एडजस्ट करते हुए पूरी ब्रेड बनानी है, ठीक है। और आपने इसको बैक साइड तक लेके जाना है, इस तरीके से लाइन टू लाइन देते जाना है, ठीक है। ब्रेड को फिनिशिंग के साथ आपने बनानी है, आपने पूरी ब्रेड इस तरीके से फिनिशिंग के साथ डन करनी है, ठीक है। बैक साइड तक आप जैसे मैंने वॉली की है सेम आपने बनानी है लेयर टू लेयर, इस तरीके से आपने पूरा बनाना है बैक तक इस तरीके से फिनिशिंग के साथ। और मैंने जिस तरह वॉली एडजस्ट करती सेम एडजस्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा एक टेक्निक आपको पता है ना मेरी कि मैंने किस तरीके से पिन को हाइड की थी, वो वाली इसी तरीके से आपने यहाँ पे भी हाइड करनी है पिन को, और आपने इसको अंदर की साइड से एडजस्ट करना है, ठीक है। हमारी पिन साइड हो जाएंगी तो हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा फाइन हेयर स्टाइल लगेगा बैक से, ठीक है। ये देखें आपने इसको अंदर से एडजस्ट करना है, इसको भी यहाँ से फिक्स कर लें आप ताकि हमारी यहाँ से बिल्कुल भी ना हिले और ये फिक्स हो जाए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेरे पास मीडियम साइज़ का डोनट था, मैंने उसको पोनी के साथ फिक्स कर दिया। अब मेरे पास रबर बैंड है, रबर बैंड की हेल्प से मैं इसको डोनट को बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करूँगी। इसके साथ आपने इसको अच्छे से कवर करना है डोनट पर, ठीक है, हेयर्स को इस तरीके से आपने इसको पूरा फिनिशिंग के साथ एडजस्ट करना है, ठीक है। ये देखें आप फिनिशिंग के साथ हमारा पूरा डोनट फिक्स हो गया है। अब जो ये वाले हेयर्स हैं इनको भी हम सिंपल छोटी बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से फिनिशिंग के साथ हमने अपना हेयर डू करना है ताकि हमारा डोनट भी फिनिशिंग के साथ नज़र आए, ठीक है।
इस तरीके से आपको सिंपल ब्रेड बना के पूरा इसको एडजस्ट करना है। वीडियोस को फुल वॉच करा करें आप, ताकि कोई भी हेयर स्टाइल आप मेरा मिस ना करें। इस तरीके से डोनट को अच्छे से एडजस्ट कर लें, और हम डोनट को थोड़ा सा नीचे की साइड पर एडजस्ट करेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, हेयर पिन को इनर साइड से अच्छे से फिक्स करना है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने जोड़े पिन की हेल्प से जो है इसको एडजस्ट करना है। पहले आप ऊपर से इसको स्ट्रक करेंगे, ठीक है, देन साइड से आपने फोर साइड से इसको फिक्स करना है, ठीक है, इस तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है फिनिशिंग के साथ। और आपने डाउन साइड से भी बिल्कुल इसको अच्छे से फिक्स करना है, ठीक है, ताकि हमारा हेयर जो है वो अच्छे से हमारा जुड़ा जो है डोनट फिक्स हो जाए, ठीक है। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है हेड क्राउन मैंने जो फिक्स किया, उससे हमारा हेयर स्टाइल और मज़ीद ब्यूटीफुल सा हो गया। आपको मेरा हेयर स्टाइल आज कैसा लगा, आप देख सकते हैं फ्रंट पे मैंने ब्रेड्स कितनी फिनिशिंग के साथ, लेयर्स के साथ बनाई हैं, और इसका लुक कितना स्मार्ट आ रहा है। तो समर के लिए ये आपके लिए बन हेयर स्टाइल, बहुत स्टाइलिश लुक के साथ आप बना सकते हैं। आज का हेयर स्टाइल कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह न्यू लुक के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।